हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरूप और वादे के मुताबिक एक बार फिर आपके सामने लेकर आया हूं आईपीसी हार्ट केयर का ये शो जो कि बेस्ड है प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी पे और जो कि है एक डायल इन शो। दोस्तों, एसिडिटी और गैस बड़ी ही आम समस्या है, लेकिन क्या ये आम समस्या आपके हार्ट के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है? क्या ये आम समस्या आपको हृदय रोग के करीब ले जा रही है? इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं वर्ल्ड रेनॉर्ड प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतीक्षा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस कहावत को सही मायने में प्रैक्टिस करती हैं डॉक्टर प्रतीक्षा। जहां विश्व भर में मेडिकल साइंस हार्ट डिजीजेस को हराने में लगी हुई है, वहीं डॉक्टर प्रतीक्षा हार्ट डिजीज के कारणों को रोक रही हैं। इसे संभव बनाने में सहायक हैं उनकी थेरेपीज जैसे कि ECP और ACT। इन्होंने बाईपासिंग बाईपास नामक किताब भी लिखी है जो दुनिया भर में पॉपुलर हुई है। नॉन सर्जिकल प्रिवेंटिव हार्ट डिजीज एक्सपर्ट डॉक्टर प्रतीक्षा ने 20,000 से ज्यादा लोगों का सक्सेसफुल इलाज किया है और उनके द्वारा स्थापित आईपीसी सेंटर में वो निरंतर सक्रिय हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आईपीसी हार्ट केयर पर। आज का हमारा विषय है एसिडिटी और गैस। आम दिखने वाली ये समस्या किस तरह से हार्ट के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है? दोस्तों, ये एक डायल इन शो है, जैसा कि मैंने आपको बताया। हमारे नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कृपया इन नंबर्स पर फोन करिए अगर आपको ऐसी कोई समस्या है। तो चलिए डॉक्टर प्रतीक्षा से मेरा पहला प्रश्न ये है कि जिस तरह का लाइफस्टाइल डॉक्टर आज हम लोग लीड कर रहे हैं, जिस तरह का खाने का सेवन हम लोग कर रहे हैं, लॉट ऑफ फास्ट फूड, बर्गर्स, पिज्जा, ये लीड करता है एसिडिटी को। लेकिन वेरी शॉकिंगली, विच इवन आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ, एसिडिटी और हार्ट के बीच का रिलेशन क्या है? नहीं, एक्चुअली आजकल हम लोग अक्सर देखते हैं कि लोग एसिडिटी, गैस की टैबलेट्स लेते हैं, एंटासिड्स लेते हैं और सडनली एक बार वो लोग ऐसे आईसीयू में हार्ट अटैक के साथ भी एडमिट हो जाते हैं। तो काफ़ी बार ये सिम्टम हार्ट डिजीज़ के साथ कन्फ्यूजन में रहता है। तो दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगी कि क्योंकि ये जो हम लोग की सीरीज़ है कि कैसे कैसे चिन्ह है जिसे हम लोग निग्लेक्ट करते हैं और हार्ट के साथ रिलेटेड होते हैं। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट द टिपिकल हार्ट सिम्टम इज़ अ चेस्ट पेन, लेकिन एसिडिटी जिसे हम लोग लेमेंस लैंग्वेज में हार्ट बर्न भी कहते हैं, यू नो, हार्ट बर्न। सो व्हाई? बिकॉज हार्ट सेंट्रल, जैसे कि चेस्ट में इट इज़ प्लेस्ड, और हार्ट के बाजू में ही लेफ्ट साइड में हमारा पेट होता है, स्टमक होता है। तो अगर उसमें एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा है, उसके वजह से कभी कभी वो जो एसिड ऊपर की तरफ जाता है तो जलन सी महसूस होती है, जैसे हम लोग सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों? ओके, दैट इज आल्सो स्ट्रेस। लेकिन हार्ट रिलेटेड जो एसिडिटी है, कई बार लोग वॉकिंग के लिए जाते हैं और सडनली उन्हें ऐसा वो बर्निंग फील होता है, दे डोंट गेट चेस्ट पेन और दे डोंट गेट हैवीनेस इन द चेस्ट विच इज क्लासिकल सिम्टम। और फिर वो लोग जब भी बैठ जाते हैं तो उनको आराम लगता है, तो उन्हें लगता है कि ये मुझे एसिडिटी की वजह से, और लोग टैबलेट्स लेते हैं। या कभी कभी गैस, यू नो, पेट ऐसा बड़ा हो जाता है कि गैस भर गया और फिर ढकार आ गई तो फिर उन्हें अच्छा लगता है चलने पे। तो कभी कभी अगर ये एक्टिविटी रिलेटेड ऐसे जलन होती है या गैस प्रॉब्लम होते हैं तो इट शुड बी, यू नो, हार्ट प्रॉब्लम शुड बी थॉट अबाउट। दोस्तों, आपने सिम्टम्स के बारे में जान लिया, लेकिन फिलहाल हमारे साथ हमारे कॉलर हैं, तो आइए डॉक्टर से बात करते हैं। हेलो, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुनंदा है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। सुनंदा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आईपीसी हार्ट केयर पर। आपके समक्ष डॉक्टर प्रतीक्षा है जिनसे आप आपका सवाल पूछ सकते हैं। मेरा प्रश्न ये था कि मुझे तो दिल की बीमारी है और मेरा बाईपास सर्जरी हुआ था 2010 में, मतलब पिछले साल, लेकिन काफी कुछ महीनों से मुझे जलन सी होती है छाती में और गले में भी। इसके लिए मुझे सोर्बिट्रेट टैबलेट लेना पड़ता है, वो लेने के बाद में ही मुझे अच्छा लगता है। क्या ये टैबलेट मुझे हमेशा लेना पड़ेगा? इसका कोई सोल्यूशन है मैडम आपके पास? ये सॉर्बिट्रेट टैबलेट जो है वो क्लासिकली हार्ट पेशेंट्स को दी जाती है कि अगर उन्हें चेस्ट पेन हो या जो भी हार्ट को अगर शॉर्ट सप्लाई हो, तो ये सॉर्बिट्रेट से अगर आपको रिलीफ मिलती है ये प्रॉब्लम की, तो वो हार्ट रिलेट होने की संभावना है। सो फर्स्ट आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए, ECG और ट्रेडमिल वो सब टेस्ट करवा के देखिए कि आपका बाईपास सक्सेसफुल हो रहा है या उसमें कोई, मतलब, प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि 10% लोगों में विद इन फर्स्ट ईयर आफ्टर बाईपास सर्जरी दोबारा ब्लॉकेजेस या प्रॉब्लम्स आते हैं।
तो आई प्रे दैट यू आर इन दैट 90% एंड नॉट इन 10%। तो पहले वो चेकअप करवा लीजिए, वो आपको करके यू कैन, आई थिंक यू कैन नॉर्मलाइज। ओके सुनंदा जी, ठीक है मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सुनंदा जी फॉर कॉलिंग। और जाने से पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप ऑनलाइन भी हमें कंसल्ट कर सकते हैं आईपीसी हार्ट केयर को। हमारा वेबसाइट है ipc-india.org। थैंक यू। थैंक यू। मुझे आप ये बताइए कि यानी कि ये एसिडिटी का प्रॉब्लम तो हमारे डाइट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एसिडिटी तभी होती है जब हम कुछ अनाप शनाप खा लेते हैं। तो डाइटरी प्रिकॉशंस क्या लिए जाने चाहिए अगर हमें इस प्रॉब्लम से प्रिवेंट करना है? आई थिंक दैट इज़ अ ब्रिलियंट क्वेश्चन आरू, बिकॉज यू नो लोगों को यही मन में सवाल है, स्पेशली दर्शकों को भी, कि खाने में क्या परहेज होना चाहिए, कि क्या है। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन होता है, जिसके वजह से फूड का डाइजेशन इम्पॉर्टेंट होता है। अभी प्रॉब्लम क्या हो गया है कि लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, फिर पूरा दिन चाय कटिंग, फिर रात को एकदम भरपेट खाते हैं और सो जाते हैं। दिस इज़ अ टिपिकल लाइफ ऑफ ऑल द यू नो अर्बन पीपल। तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि रात भर जो एसिड प्रोडक्शन हुआ रहता है, तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट जब नहीं लेते हैं तो एसिड का लेवल बढ़ जाता बढ़ है। जाता इरेगुलर स्लीप, स्मोकिंग, यू नो फास्ट फूड, रिफाइंड जो फूड होता है, ये सबसे एसिड प्रोडक्शन बढ़ता बढ़ता है। है। तो इसके लिए एसिडिटी के लिए जो डाइट के प्रिंसिपल्स है, स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स, जी मतलब दो दो घंटे पे कुछ ना कुछ खाते रहना, एडिक्वेट पानी पीना, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम 8 ग्लास पानी तो होना ही चाहिए। जी और जो एसिड प्रोड्यूसिंग फूड्स जो है, अभी जितने भी रिफाइंड फूड्स है, जैसे फास्ट फूड है, जो भी मैदा बेस्ड फूड है, ये सब एसिड कॉजिंग फूड्स है। और अल्कलाइन, जैसे अपन ने केमिस्ट्री में सीखा है, बैलेंसिंग फूड्स, दे आर ऑल योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इसके लिए जो WHO ने अभी जो नई गाइडलाइंस दी है, तो एटलीस्ट अपने को नॉर्मल रहने के लिए वी शुड हैव मिनिमम 6 to 8 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एवरी डे। ह्यूज एंड सी व्हाट वी डोंट नीड दैट मच, राइट? एब्सोल्युटली। चलिए हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम संगीता है। संगीता जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। जी तो पूछिए, आपका क्या प्रश्न है डॉक्टर से? डॉक्टर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब भी मैं डिनर के बाद घर से बाहर थोड़े से वॉक के लिए निकलती हूँ, तो मुझे काफ़ी चेस्ट में पेन होता है। इस वजह से अपना खाने का क्वांटिटी भी कम कर दिया है, तो इसका कुछ उपाय आप बता सकते हैं हमें? से संगीता जी, सबसे पहले क्या है कि जैसे कि खाने के बाद हम चलने जाते हैं, तो इसमें एक साइंस ऐसा है कि खाने के बाद स्टमक को भी ब्लड चाहिए फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, और क्योंकि आप चल रही है तो हार्ट को भी ब्लड चाहिए मसल्स तक पहुंचाने के लिए। हार्ट के मसल्स को भी ब्लड ज़्यादा लगता है, तो कई बार इसे हम लोग फिजियोलॉजिकल कहते हैं कि यू नो छाती में भारीपन आ जाता है अगर आप ब्रिस्क वॉकिंग के लिए जाएंगे तो। तो खाने के बाद अगर चलना है तो स्लोली वॉकिंग होना चाहिए। इफ़ इट इज़ कॉजिंग प्रॉब्लम, तो मेरे हिसाब से आप ये सिम्टम को प्लीज़ मत निगलेक्ट कीजिए संगीता जी। आप कार्डियोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करके अपनी जांच तुरंत करवा लीजिए, और सबसे पहले पता लगाइए कि वो हार्ट रिलेटेड है या नहीं। ओके संगीता जी, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग संगीता जी, थैंक यू। तो चलिए डॉक्टर साहिबा, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर, और मैं आपको याद दिला दूं कि हम यहाँ बात कर रहे हैं बड़ी ही आम प्रॉब्लम एसिडिटी और गैस की, जिसके कारण हमारे दिल पर लोड पड़ सकता है। ख्याल रखिए अपने दिल का, क्योंकि ये दिल की बात है। जल्दी से जाएंगे और हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक पर। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आईपीसी हार्ट केयर। जी हाँ, एक ऐसा शो जहां हम बात करते हैं प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के बारे में। प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी यानी कि आपके दिल की सुरक्षा बिना चीरफाड़ किए। और दिल की सुरक्षा करने के लिए हमारे साथ हैं दिल की डॉक्टर, वर्ल्ड रिनोट प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतीक्षा। दोस्तों, हम इस सीरीज में बात कर रहे हैं उन सिम्टम्स की जो लीड करते हैं हार्ट प्रॉब्लम्स को। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको उन लोगों से मिलवाना चाहूंगा जिनकी लाइफ को फिट एंड फाइन बनाया है आईपीसी हार्ट केयर ने। टेक लुक। मुझे 10 साल से डायबिटीज है। पहले डायबिटीज का ट्रीटमेंट बाहर करते थे, लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं होते थे। फिर मेरे एक दोस्त के कहने के ऊपर से मैं आईपीसी सेंटर में आई। यहाँ आने के बाद मुझे मेडिसिन के साथ योगा, डाइट और ड्रिप ट्रीटमेंट के कारण मेरा शुगर कंट्रोल हो गया है, और 4 साल से मैं ये ट्रीटमेंट ले रही हूँ।
लेकिन वो ट्रीटमेंट के कारण मेरा शुगर कंट्रोल होने के कारण मैं अभी मेरा निजी जीवन आनंद से आनंद और उत्साह से जी रही हूँ। तो देखा दोस्तों आपने प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के फायदे। चलिए आपके स्क्रीन्स पर फिलहाल जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उन पर जल्दी से फोन कीजिए क्योंकि आपको शेयर करना है आपके हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स डॉक्टर प्रतीक्षा के साथ और जानिए अपने जहन में उठ रहे हर प्रश्न का उत्तर। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर प्रतीक्षा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हमने देखा है कि काफ़ी सारे लोग एसिडिटी से बचने के लिए एंटासिड खाते हैं बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, इंक्लूडिंग मी। तो क्या ये बात सही है गलत है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगी कि जो फूड रिलेटेड होते हैं कभी स्पाइसी खा लिया, हॉट खा लिया, जो नॉर्मल लोग हैं तो वो लोग एंटासिड्स लेते हैं वो ओके है, बट क्या है कि कभी भी उनको एसिडिटी गैस कंटिन्यूस बेसिस पे है और वो लोग इलाज नहीं करवा रहे। सी नो समटाइम्स लाइक वंस इन अ ब्लू मून आपने कर दिया वो अलग बात है, लेकिन वो सिम्टम आपके अंदर रोज़ है और आप उसे ध्यान नहीं दे रहे हैं, दैट इज़ बैड। क्योंकि मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि ये ओवर द काउंटर ऐसे मेडिसिन लेना और लॉन्ग टर्म पे लेना क्रॉनिक यूज ऑल्सो हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स, राइट? सो दैट वी डोंट एडवोकेट। यू हैव टू गो फॉर अ चेकअप आइदर द स्टमक, जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं जो स्टमक के स्पेशलिस्ट है एसिडिटी गैस रिलेटेड। अगर एसिडिटी और गैस जैसे मैंने आपको बताया कि एक्टिविटी रिलेटेड है, जैसे आप चलने गए या ब्रिस्क वॉकिंग किया और आपको वैसे सिम्टम्स आए, तो कार्डियोलॉजिस्ट का चेकअप भी ज़रूरी है। सो द आंसर इज नो, लाइक यू नो सेल्फ मेडिकेशन समटाइम्स इट्स ओके नो या, बट नॉट इफ इट इज अ रूटीन प्रॉब्लम, यू शुड गेट इन्वेस्टिगेटेड एंड नॉट वेट फॉर द हार्ट प्रॉब्लम टू हैपन। एग्जैक्टली, इवन आई विल कीप दैट इन माइंड। ओके, चलिए फिलहाल हम बात करते हैं हमारे अगले कॉलर से जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम आर के मूर्ति है जी, या मैं वैजाग से बोल रहा हूँ। हाँ। लास्ट ईयर मैंने एंजियोप्लास्टी कराया था तो, और अभी भी मुझे मतलब कई बार मैं पार्टी वगैरह में जाता हूँ और वहाँ पे जो भी फूड रहता है वो खाने के बाद मेरे पेट में मतलब पेट बहुत भारी हो जाता है और बहुत अनईजी फील होता है, मुझे पसीना सा आता है। और मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया था तो उन्होंने मुझे बोला एंजियोग्राफी कराने के लिए, लेकिन जब भी इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं मेरे साथ तो मैंने इनो वगैरह लिया है लेकिन उससे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। तो अभी मैं आपका शो देख रहा हूँ तो जस्ट गिव मी सम गुड गाइड लाइन कि कैसे मतलब इन चीज़ों से मैं छुटकारा पा सकूँ। तो आपके डॉक्टर ने आपको एंजियोग्राफी इसके लिए करवाने कहा है क्योंकि एंजियोप्लास्टी के बाद भी कभी कभी क्या होता है कि स्टेंट में रीब्लॉक हो जाता है, या एंजियोप्लास्टी के बाद भी कभी कभी अगर मल्टीपल ब्लॉक्स हो और एक दो ब्लॉक को स्टेंटिंग किया गया हो तो पूरी तरह से सप्लाई नहीं पहुंचती है, तो इसके वजह से भी ऐसा हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग बिकॉज आई हैव नॉट सीन योर रिपोर्ट्स नॉर डू आई नो योर केस, बट दिस आर द पॉसिबिलिटीज क्योंकि आपके जैसे कई केसेस हमारे सेंटर में आते हैं। तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं या आपको आगे तहकीकात जरूर करनी चाहिए कि ये हार्ट रिलेटेड है या नहीं। ओके मिस्टर मूर्ति जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच मिस्टर मूर्ति, आई होप कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जी हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे आप ये बताइए डॉक्टर साहिबा कि क्या बहुत ज़्यादा एसिडिटी यानी सीवियर एसिडिटी, गैस प्रॉब्लम, डायरिया या फिर उल्टी होना, कभी कभी एसिडिटी की वजह से उल्टी भी होता है, ये कैन दीज लीड टू हार्ट डिजीजेस? नहीं, एक्चुअली दिस कुड बी अ सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हार्ट पेन का जो जब भी होता है, हार्ट अटैक यानी क्या, हम दर्शकों को बता दें कि हार्ट जो है उसकी जो सप्लाई तीन मेन नस से होती है, एक राइट साइड और दो लेफ्ट साइड। कोई भी नस में अगर ब्लॉकेज है और वो ब्लॉकेज अगर रप्चर हो जाता है और ब्लड क्लॉट हो जाता है तो इट बिकम्स एन इमरजेंसी और हार्ट को पूरी तरह से ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है एंड तभी बॉडी गोज इनटू एक्यूट शॉक। दैट टाइम मेनी टाइम्स द पेशेंट एक्सपीरियंसेस छाती में जैसे वजन कोई हाथी ने पैर रख दिया वैसा होता है, बहुत सारा स्वेटिंग हो जाता है, पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं, उल्टियाँ हो जाती है, डायरिया हो जाता है। दिस इज ऑल लाइक अ इमरजेंसी यू नो, बिकॉज द हार्ट इज गिविंग सिग्नल, कम ऑन लुक एट मी, बिकॉज दैट इज अ टाइम व्हेन पर्सन बिकम्स सीरियस यू नो एंड इमीडिएटली अटेंड्स द मेडिकल यूनिट यू नो। सो दिस इफ इट इज सीवियर, बट सी वॉमिटिंग डायरिया कुड बी बिकॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग ऑल्सो या रॉन्ग फूड ऑल्सो, देर आर अदर कॉजेज ऑल्सो, बट वेन मेनी टाइम्स एसोसिएटेड विद सिवियर चेस्ट पेन एंड यू नो इट कुड बी अ सिम्टम रिलेटेड टू हार्ट। एक और बड़ा ही
इम्पॉर्टेंट प्रश्न टू ऑल द स्मोकर्स आउट देयर, कैन स्मोकिंग कॉज एसिडिटी एंड हार्ट प्रॉब्लम्स? दैट्स वेरी गुड, बिकॉज यू नो आजकल हम यंग लोगों में हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत देख रहे हैं. स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द कॉजेज, बिकॉज यू नो स्मोकिंग, बिकॉज ऑफ द स्मोक विच गोज इन साइड कार्बन मोनॉक्साइड, ऑल द लाइनिंग्स गेट इरीटेटेड, यू नो एसिड प्रोडक्शन इज इंक्रीज. सो स्मोकिंग से एसिडिटी होती है और स्मोकर्स में हार्ट अटैक भी, लाइक 25% ऑफ द हार्ट अटैक्स आर रिलेटेड डायरेक्टली ड्यू टू स्मोकिंग. ओके, बिकॉज स्मोकिंग से ब्लड थिक हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो काफ़ी बार यंगस्टर्स में हम हार्ट अटैक्स आते हैं देखते हैं, तो यू नो स्मोकिंग इज अ मेन cause, because they don't have other causes like blood pressure, diabetes or you know cholesterol and all those things. Okay, smoking has to be stopped because that has got definite correlation. Thank you so much Dr. Pratiksha ki aap yahan par aaye. It was a pleasure to have you on the show aur aapne itne sare useful tips diye. In fact dosto aise hi kai sare sawal jo aapke zehen mein uth rahe ho, agar aapko humse puchna hai, agar Pratiksha ji se aapko baat karni hai, to hamare is address par hame contact kijiye. IPC Heart Care Center, 103/104 प्रथमेश बिल्डिंग, रघुवंशी मिल कंपाउंड, SV रोड, लोअर परेल वेस्ट, मुंबई 400013. टेलीफोन नंबर 022-4098-8000 और 919930-099975. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन ये प्रिवेंशन करना कैसे है, ये हम आपको डॉक्टर प्रतीक्षा के माध्यम से बता रहे हैं. जी हाँ दोस्तों, प्रिवेंशन के कई सारे तरीके और भी हम आपको बताएंगे, लेकिन हमारे अगले एपिसोड में. तब तक के लिए अपने दिल का ख्याल रखिएगा. दिस इज अरूप साइनिंग ऑफ एंड सेइंग टेक केयर. Geography, no angioplasty, bypass to bypass surgery, only in IPC Heart Care Center. Just dial 4098-8000. Hello, मुझे दो बार हार्ट अटैक आ चुका है और मेरे हार्ट की पंपिंग सिर्फ 25% है. तो उसमें मेडिसिन इम्पोर्टेंट है, डाइट इम्पोर्टेंट है और ECP से बिना ऑपरेशन के आप ठीक हो सकते हैं. IPC Heart Care, हर रोज 8:50 पर